अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसे कि आप जानते हैं कि एमडीकेट की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है, तो चलते हैं पीएमडीसी के पोर्टल के ऊपर। तो आपके सामने ये पीएमडीसी का जो पोर्टल है वो ओपन है। तो आपने करना क्या है, आपने पीएमडीसी के पोर्टल के ऊपर जाना है, आपने स्क्रॉल करना है और आपके सामने ये ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर फॉर एमडीकेट। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है लोडिंग का, जब आप क्लिक करेंगे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन तो ये टाइम लेगा। अभी साइट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फास्ट नेट इंटरनेट, तो उसके बावजूद भी जो है वो ये काफ़ी टाइम ले रही है। खैर, आपको गाइड की देता हूँ कि आपने करना क्या है। तो ये रजिस्टर यूज़र्स के लिए है। जो रजिस्टर यूज़र जो ऑलरेडी जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो फिर आप लॉगिन करके एंटर कर सकते हैं, और न्यू यूज़र्स ने सबसे पहले साइन अप करना है। खैर, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के सामने जो बताई गई हैं वो आपसे शेयर किए देता हूँ कि वो क्या हैं। कैन आई यूज़ द सेम एमडीकेट क्रेडेंशियल फ्रॉम लास्ट ईयर फॉर दिस ईयर एमडीकेट रजिस्ट्रेशन? क्या जो लास्ट ईयर एमडीकेट रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने क्रेडेंशियल्स यूज़ किए थे, इस दफ़ा भी वही यूज़ कर सकता हूँ? नो, यू कॉन्ट यूज़ द सेम एमडीकेट क्रेडेंशियल्स फॉर दिस ईयर टू, ठीक है। What is POR card? This is stand for proof of registration card. ये document identity document है for Afghan refugees. तो ये पाकिस्तानी के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफगान refugees के लिए हैं जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। I have entered incorrect email address. What can I do now? कि मैंने गलत ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया है, व्हाट कैन आई डू नो, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? यू कैन चेंज योर ईमेल एड्रेस बाय क्लिकिंग ऑन द चेंज ईमेल ऑप्शन। तो आप जो है वो चेंज ईमेल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है कि आई एम नॉट रिसीविंग एनी वेरीफिकेशन कोड ऑन माई ईमेल, कि मुझे कोई भी वेरीफिकेशन कोड जो है वो रिसीव नहीं हो रहा मेरे ईमेल के ऊपर, तो मैंने क्या करना है? तो आप क्या करेंगे, इफ़ यू आर अनएबल टू रिसीव द वेरीफिकेशन कोड यू कैन क्लिक रीसेंड। तो आप जो है वो रीसेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वेरीफिकेशन कोड जो है वो रिसीव हो जाएगा। आई हैव एंटर्ड इनकरेक्ट मोबाइल नंबर, व्हाट कैन आई डू नो, तो कि मैंने अपना जो है मोबाइल नंबर गलत एंटर कर दिया है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? तो आप जो है वो उसे चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज़ बे फॉर्म नंबर? बे फॉर्म नंबर का आप सबको आइडिया होगा कि ये 13 डिजिट का डिजिट नंबर होता है, ठीक है। लाइक इसकी एग्जाम्पल ये आपके सामने है, अब आपको आइडिया होगा, हो गया होगा जिसको नहीं भी पता, 1234 और ये उसकी आप लोगों के सामने एग्जाम्पल दी हुई है। आई डो नॉट हैव अ CNIC, कैन आई एंटर CNIC ऑफ माई फादर और मदर, कि मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, CNIC नहीं है, तो क्या मैं अपने पेरेंट्स का जो CNIC नंबर है वो एंटर कर सकता हूँ? नो, यू कॉन्ट एंटर द CNIC ऑफ योर फादर और मदर, आप जो है वो अपने फादर या मदर का CNIC एंटर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि आई एम एंटरिंग करेक्ट CNIC नंबर बट इट इज़ स्टिल शोइंग नादरा वेरीफिकेशन फील्ड, वो कह रहे हैं जी मैं जो है वो सही CNIC नंबर एंटर कर रहा हूँ बट इट इज़ स्टिल शोइंग नादरा वेरीफिकेशन फील्ड, उसके बावजूद भी है वो नादरा वेरीफिकेशन फील्ड हो रही है। तो देखिए जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपकी वेरीफिकेशन कर देता है नादरा के साथ। अगर डेट ऑफ इशुएंस वो मैच नहीं कर रही विद योर CNIC नंबर तो फिर वेरीफिकेशन फील्ड का जो है वो आता है कि आपकी जो नादरा वेरिफिकेशन फेल हो चुकी है। हाँ, अगर आपकी डेट ऑफ इश्यूएंस जो आपने ऐड की है और जो आपने CNIC नंबर ऐड किया है वो दोनों मैच कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नादरा वेरिफिकेशन फेल हो रही है, तो आप दोबारा ट्राई करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आई फॉरगॉट माय पासवर्ड व्हाट कैन आई डू नाउ, कि मैंने अपना पासवर्ड जो मुझे भूल गया है तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? आपने क्या करना है, आपने फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। कैन आई अटैच अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, तो क्या मैं पासपोर्ट साइज जो है वो फोटोग्राफ जिसका बैकग्राउंड ब्लू हो वो यूज़ कर सकता हूँ? नो, यू कॉन्ट यूज़ अ फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, आपने वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर यूज़ करनी है, और अगर आपके पास ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं साइट्स के ऊपर जाके, आप उसे वाइट बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हैं। आई लिव इन पाकिस्तान, कैन आई गिव एग्जाम इंटरनेशनल सेंटर? जी हाँ, जो जो ऑप्शंस हैं आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप दे सकते हैं इंटरनेशनल सेंटर में। यस, एनी पर्सन कैन रजिस्टर एंड टेक द एमडीकेट एज पर द डिफाइंड क्राइटेरिया इज अनाउंस्ड सेंटर्स इन पाकिस्तान अब्रॉड। माई डिज़ायर सिटी इज नॉट, यहाँ पे उन्होंने नॉट लिखना था, नो लिखा हुआ है, इज़ नॉट अवेलेबल इन प्रेफर्ड सिटी एग्जाम,
इफ़ योर डिज़ायर्ड सिटी एग्जाम इज़ नॉट लिस्टेड, नहीं है, तो यू कैन चूज़ एन अल्टरनेटिव एग्जाम सिटी, आप जो है वो अल्टरनेटिव एग्जाम सिटी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, कैन आई सेव माई रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड फिल इट लेटर? येस, डेफिनेटली यू कैन सेव इट एंड फिल इट लेटर। माई सेकेंड ईयर रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, कैन आई एंटर HSSC क्वालिफिकेशन डिटेल्स इन माई रजिस्ट्रेशन फॉर्म? कि मेरा अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आना है, और तो क्या मैं अपने FSC की डिटेल्स एंटर कर सकता हूँ इन माई रजिस्ट्रेशन फॉर्म? जी हाँ, आप कर सकते हैं। हाउ कैन आई पे द फी फॉर MDCAT? आप के मैं MDCAT की फ़ी जो है वो कैसे पे कर सकता हूँ? तो आपके पास दो ऑप्शन है MDCAT की फ़ी पे करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट बैंक चलान, और सेकेंड इज़ डेबिट कार्ड। तो आप जो है वो दो तरीके से पे कर सकते हैं, एक है बैंक चलान के जरिए और दूसरा डेबिट कार्ड के जरिए। नेक्स्ट इज विच क्रेडिट और डेबिट कार्ड आर एक्सेप्टेड, कौन से क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो है वो एक्सेप्टेबल हैं? ओनली 3D सिक्योर वीज़ा मास्टर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आर एक्सेप्टेबल। ओनली जो है वो वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। डू आई हैव अटैच द स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ बैंक चलान एनीवेयर? तो क्या मैंने जो है वो स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ बैंक चलान कहीं पर अटैच करनी है? नहीं करनी। नो, बैंक चलान्स आर ऑटोमेटिकली वेरीफाइड, बैंक चलान जो है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू अटैच योर चलान कॉपी एनीवेयर, आपको जरूरत नहीं है कि आप उसे कहीं भी अटैच करें। तो नेक्स्ट इज दैट आई हैव पेड माई फी वीआ बैंक चलान बट इट इज़ नॉट शोइंग एज पेंडिंग। के वो कह रहे हैं जी मैंने अपनी फ़ी तो बैंक में पे कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जिस ब्रांच में आपने जो है वो फ़ी डिपॉजिट करवाई है, आपने उस ब्रांच में जाना है और उन वहाँ से कंफर्म करना है कि क्या उन्होंने जो है वो पेमेंट कर दिया है PMDC को। फिर नेक्स्ट इज़ दैट आई हैव सबमिटेड माई रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेड द फ़ी, कैन आई क्रेडिट माई प्रोफाइल नाउ, एडिट माई प्रोफाइल नाउ? कि मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया है और फ़ी जो है पे कर दी है, तो क्या मैं अब एडिट कर सकता हूँ अपनी प्रोफाइल को? जी हाँ, आप कर सकते हैं जब तक कि रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं हो जाती, ठीक है। आप अपना नाम और जो है अपना जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर उसे एडिट नहीं कर सकते, उसके अलावा आप अपनी जो प्रोफाइल है उसे एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दैट आई वॉन्ट टू चेंज माई डिज़ायर एग्जाम सिटी बट आई हैव पेड द फी। नेक्स्ट इज़ दैट कि मैं अपने डिज़ायर एग्जाम सिटी को चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी फ़ी जो है वो पे कर चुका हूँ, तो देन वॉट कैन आई डू? तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपने क्या करना है, आप अपनी प्रोफाइल पे जाके डिज़ायर एग्जाम सिटी को चेंज कर सकते हैं जब तक कि रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं होती, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर फी स्टेटस टू अपडेट आफ्टर पेमेंट? कि मैंने जो है वो फ़ी जमा करवा दी है, तो क्या करना है जी? तो उसे अपडेट होने में कितना टाइम लगता है? पेमेंट स्टेटस से अपडेटेड विद इन द 24 hours आफ्टर पेमेंट। कि आप जब पेमेंट कर चुके होंगे अपनी फ़ी की, तो उसको अपडेट होने में तकरीबन 24 hours लग सकते हैं, ठीक है। विद इन 24 hours जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब आपने क्या करना है, आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने वहाँ पे अपनी डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है, लेकिन अभी चूँकि साइट में इश्यू आ रहा है, साइट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही जो है वो चीज़ों में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आपने अभी कुछ भी नहीं करना जब तक कि ये साइट प्रॉपरली वर्क करना नहीं शुरू हो होती। पाकिस्तान में आप ये चीज़ आपने नोट की होगी कि जब भी चाहे वो नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन का मामला हो, उसकी मेरिट लिस्ट लगने का मामला हो, या MDCAT की रजिस्ट्रेशन करने का मामला हो, जिस तरह आपके सामने आप पोर्टल वर्क कर रहा है, बिल्कुल भी ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत स्लो वर्क कर रहा है और प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। कभी आ जाता है जी सर्वर एरर, कभी इस चीज़ में एरर, कभी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, और स्टूडेंट को जो है वो अभी बिल्कुल भी अप्लाई ना करें जब तक कि ये पोर्टल बिल्कुल जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता। क्योंकि ये एक डेफिनेटली आपने इसके लिए एफर्ट की होती है इस एग्ज़ाम के लिए, और ये अच्छा नहीं है कि आप जो है वो यहाँ पे पोर्टल में आपसे कहीं पे मिस्टेक हो जाए, या पोर्टल इफेक्टिवली काम ना करने की वजह से कोई गलत इन्फॉर्मेशन पुट हो जाए या आपकी रजिस्ट्रेशन ना हो पाए। तो अभी आप कुछ देर जो है वो वेट कीजिए, जब तक कि पोर्टल कुछ दिन जो है वो 3-4 दिन आप वेट कीजिए, और उसके बाद जो है अपनी प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।